अभी टाइम हो रहा है 7:51, आज का डेट है अक्टूबर 31। तो अब बताइए कि कौन सा डे है, D5 है। और हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 23, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया है। और अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और सारा सीक्वेंस में आपको वहां पे मिल जाएगा, और आप वहां से आराम से देख सकते हो। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो आपका डेडिकेशन कमाल का है। और तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। और जो वीडियो में देख रहे हैं और नए हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा, क्योंकि लाइव प्रीमियर वीडियोस आपको 30 मिनट पहले और 2 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें पूरा फुल 7 डे का शेड्यूल मिल जाएगा और भी बाकी जो अपडेट है वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड इन इंप्लीमेंटिंग ई कॉमर्स, क्या क्या की एस्पेक्ट हैं जो कंसीडर होता है इन इंप्लीमेंटिंग ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं। द की एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड इन इंप्लीमेंटिंग ई कॉमर्स आर एज फॉलोज, जो जो की एस्पेक्ट्स हैं कंसीडर होंगे इन इंप्लीमेंटिंग ई कॉमर्स वो ऐसे ऐसे हैं। 1 2 3 देखो, आप ई कॉमर्स इंप्लीमेंट करने जाते हो तो पहले मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि क्या आप पहले कार से साड़ी खरीदने जाते थे? आप साफ साफ बताइए कि हम आपको व्यवस्थित नहीं करें, कार से साड़ी खरीदने जाते थे या नहीं, तो इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे? तो पहले जैसे जाते थे वैसे शुरू करते हैं, ठीक है? तो कार से सीफो एक ही करके देखें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, की ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटर एंड ऑप्टेन इनसाइड इनटू डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स सॉल्यूशन। आप पहले इन्वॉल्वमेंट करो, सबको मिलाओ, की ट्रेडिंग पार्टनर्स जो के पार्टनर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर है, सबको बुला के एक बार और डिजाइन करो, आपका ई कॉमर्स सॉल्यूशन पूरी तरीके से तैयार करो। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो जब भी आप कोई इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ई कॉमर्स आपके बिजनेस में। इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, इंप्लीमेंट करो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज को, क्या करो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को भी इंप्लीमेंट करो। परफॉर्मिंग कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट तो जरूर परफॉर्म करो, परफॉर्मिंग कॉस्ट बेनिफिट। इंप्लीमेंटिंग द राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, इंप्लीमेंट करो एक राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी को, राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, इंप्लीमेंटिंग राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। एस्टैब्लिशिंग इंप्लीमेंटिंग राइट लेवल ऑफ बेस, एस्टैब्लिशिंग एंड इंप्लीमेंटिंग राइट लेवल ऑफ बेस लाइन, राइट लेवल ऑफ बेस लाइन भी एस्टैब्लिश और इंप्लीमेंट करो, राइट लेवल ऑफ बेस लाइन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विथ बिजनेस प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विथ बिजनेस प्रोसेस, ई कॉमर्स को इंटीग्रेट करो प्रॉपरली, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स किसके साथ, बिजनेस प्रोसेस के साथ, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट यूजर ट्रेनिंग, प्रोवाइड करो एडिक्वेट यूजर ट्रेनिंग, एडिक्वेट यूजर्स को ट्रेनिंग दो जो आपके हैं कि कैसे ही आपकी वेबसाइट्स को यूज किया जाए। परफॉर्मिंग पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, एक पोस्ट रिव्यू परफॉर्म करो, ठीक है। राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो ये वाला आर जो है राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी में एस्टैब्लिशिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, तो यहाँ एस्टैब्लिशिंग वाला इधर आ जाएगा, आई एम सॉरी, एस्टैब्लिशिंग राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाएगा। और मैं इन पर काम करता हूँ, आपको इजी बना देता हूँ थोड़ा सा, बस एक मिनट एक मिनट। आर फोर क्या होगा, आर फोर होगा आपका, आर फोर होगा इंप्लीमेंटिंग परफॉर्मिंग पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, रिव्यू परफॉर्म करना है आपको, और यहाँ एस्टैब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना राइट लेवल ऑफ बेसलाइन। ये तो हो गया था, राइट लेवल का एक और था ना, रिस्क असेसमेंट परफॉर्मिंग राइट लेवल ऑफ, कहाँ गया बॉस, स्टेक होल्डर्स अप्रोप्रिएट, आपको पता दिख रहा है कहीं, राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी।
राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी ये हो जाएगा, और यहां पे होगा एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग राइट लेवल ऑफ बेसलाइन। एस्टैब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना राइट लेवल ऑफ बेसलाइन, राइट लेवल ऑफ बेसलाइन। तो सी फॉर कॉज बेनिफिट, ए फॉर एडिक्वेट यूजर्स ट्रेनिंग, आर फॉर रिव्यू पोस्ट परफॉर्मिंग, करो रिव्यू को, स्टेक होल्डर्स से बात करो एक बार, अप्रोप्रिएट पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बना लो, राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी रखो, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक बार, ई कॉमर्स विद द बिजनेस प्रोसेस, फिजिकल डिलीवरी चैनल इंटीग्रेट कर लो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट को, और एस्टैब्लिश कर दो राइट लेवल ऑफ बेसलाइन। तो ये रही आपकी की एस्पेक्ट, जो आप सिंपली अगर समझे तो कार से साड़ी लेने जाना है तभी आपका ई कॉमर्स वाला काम हो पाएगा। पहले जाते थे, अभी नहीं जाते तो क्या किया था। What are the characteristics of the star network? Star network की क्या-क्या characteristics हैं? देखो, it involves, it's a popular network configuration, it's a popular network configuration. Characteristics क्या है? It involves central unit, it involves करता है central unit that has several terminals tied up. ये एक centrally काम करता है. In other words, it ties up end users computer से, ये यहाँ पे, 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 ये इससे connected, इनसे connected, इनसे, ये होता है star topology, ठीक है? Star network. तो वही बोला कि इन्वॉल्व्स अ सेंट्रल यूनिट दैट हैज सेवरल टर्मिनल्स, उसके पास सेवरल टर्मिनल्स मतलब कंप्यूटर नोड्स टर्मिनल्स अधिक होता है। इन अदर वर्ड इट टाइज एंड यूजर्स कंप्यूटर टू अ सेंट्रल कंप्यूटर, तो सारे को एक सेंट्रल कंप्यूटर में टाइज करके रखता है। द सेंट्रल यूनिट इन द स्टार नेटवर्क एज इज अ ट्रैफिक कंट्रोल, जो सेंट्रल और ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है अमंग ऑल अदर कंप्यूटर्स साइड। द सेंट्रल कंप्यूटर इज यूजुअली मेन फ्रेम होस्ट व्हिच एक्ट्स एज अ फाइल सर्वर, जो कि एक होस्ट होता है जिसमें फाइल सर्वर बोला जाए, जिसमें सारे डेटा जिसके पास बहुत बड़ी लार्ज डेटा प्रोसेसिंग उसके लिए सुटेबल है। बाय सेवरल स्मॉलर डिपार्टमेंट मिनी स्टार नेटवर्क्स टेक द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल नेटवर्क विद अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, हायरार्किकल अप्रोच रखता है इसमें, मतलब एक इनसे सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक कंट्रोल बना रहता है। तो सेंट्रल यूनिट है, ट्रैफिक कंट्रोलर है, बीच वाले को ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग आराम से हो जाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार नेटवर्क। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन एंड सर्विसेज परफॉर्म बाय फिजिकल लेयर वन ऑफ ओएस मॉडल ऑफ द नेटवर्क। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव बताना है, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द मेजर, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस, तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी इज टू फोल्ड, बता रहे हैं हम क्या क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है। हम बोले रहीस बनना ऑब्जेक्टिव, अरे शाहरुख खान की रहीस देखिए क्या है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। टू इंश्योर, इंश्योर करना है, मेंटेन डेटा, टू इंश्योर एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन है। टू एस्टैब्लिश द सिस्टम, establish करो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम इश्यूज दैट यूजर्स डिजायर्स टू एम्प्लॉय, जैसा यूजर्स चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ये रहता है। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्शंस अंडरटेकन बाय द यूजर्स हु ऑब्टेन द सिस्टम रिसोर्सेज टू ऑथोराइज, रिस्ट्रिक्ट करना एक्शंस जो कि अनऑथोराइज एक्सेस चाहते हैं, और ये सेफ गार्ड ऑफ एसेट, मैंने बोला दोनों एक है, तो ये सेफ गार्ड जैसे ऑफ एसेट्स, तो एस से हो गया ये, और आर फॉर हमें रिस्ट्रिक्ट करना, ई फॉर इंश्योर करना है, इंश्योर क्या करना है, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर है, एस्टैब्लिश करना है हमें सिस्टम रिसोर्सेज दैट यूजर्स, जैसे यूजर्स चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। द मेजर फंक्शंस एंड सर्विस परफॉर्म बाय फिजिकल लेयर, क्या क्या मेजर फंक्शन है सर्विसेज परफॉर्म बाय फिजिकल लेयर वन ओएसए वन ऑफ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर एस फॉलोज। Establishment and termination of connection, establishment and termination of connection to a communication medium, establishment and termination of a connection, अब बता रहे हैं आपको, ये है MP लोग इकोनॉमिक टाइम्स के पास चले गए। MP लोग मेजर फंक्शन क्या है कि जो MPs हैं वो इकोनॉमिक टाइम्स के पास चले जाते हैं। MPs में M for modulation and conversion, M for modulation,
P4 participation. So modulation or conversion between the representation of digital data in user's equipment and the corresponding signal transmitted over a communication channel. Modulation and conversion. Modulation or conversion. Modulation बोलो या conversion कर दो. Between function क्या है करता क्या है digital data को in user equipment and corresponding signal transmitted over communication channel. ये communication channel के ऊपर transfer करना, transmission करना. Participation, P for participation in the process whereby the communication resources are effectively shared among multiple users. Participate, contingent resolution and flow control. इसको maintain करना. जैसे कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह अमंग मल्टीपल यूजर्स ट्रांसफर होता है तो उसकी कंटेंशन रिजोल्यूशन और फ्लो को कौन देखता है, रिजोल्यूशन और फ्लो को कौन देखता है, फंक्शन किसका है, इन्हीं का है, ओएस फिजिकल लेयर का. एस्टैब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ कनेक्शन ऑन अ टू कम्युनिकेशन मीडियम. एस्टैब्लिश करना, टर्मिनेट करना. या तो देखो जब एक सेंडर डेटा भेजता है रिसीवर को तो पहले यहाँ से कनेक्शन बनेगा फिर टर्मिनेट हो जाएगा. तो यही बोले एस्टैब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन टू कम्युनिकेशन. दो कम्युनिकेशन मीडियम के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना और टर्मिनेट करना. पार्टिसिपेट करना, जब डेटा एक से मल्टीपल यूजर को भेजा जाए. मॉड्यूलेशन मतलब ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो कम्युनिकेशन चैनल. तो समझ में आ रहा है आपको? तो सिंपली अगर देखा जाए तो रईस और एमपी इकोनॉमिक टाइम्स के पास चले गए तो फंक्शनिंग तभी होगा जब एमपी इकोनॉमिक टाइम्स के पास जाएंगे. कोई भी मैटर जब न्यूज मेन न्यूज में आता है तो काम होने लगता है तो ये फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रईस बन के रहना है और के बाप की कैश पैस. अरे वाह, व्हाट डज एफ कैप्स स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 11 किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 11 लिखा देते हैं भाई. लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिख दिया है. चल 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 भाई, ये 4 तक पहुंच गए. बोल बोलिए, बहुत बड़ा चैप्टर था क्योंकि अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. देखो ये रहा, डिस्कस एफकैप्स मॉडल ऑफ द नेटवर्क. इसमें देखो दिया हुआ पूरा फॉल्ट मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड काउंटिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 11 आप रेफर कर लीजिए. और जो उसके डिस्क्रिप्शन में ये दिया रहता है कि कौन सा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर्ड है, तो आपको ये डाउट है कि इस वीडियो में कौन सा कवर्ड है तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक कवर्ड है, पूरा डिटेल. इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है एडिटिंग और अपलोडिंग में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आधा अधूरा बस वीडियो पोस्ट कर दूं, अच्छा नहीं लगता ना. प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आएगा? हम सीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग थोड़ी ना कर रहे हैं. हाँ, आपने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनली काम किया जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर कोई कर रहा है तो वो प्रोफेशनल माना जाता है. तो वी नीड टू बी एक्ट एज अ प्रोफेशनल. लिस्ट आउट सम फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेटवर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या सब फीचर्स हैं वो आपको बताइए. तो इधर आइए, फीचर सीधा हम आपको ले चलते हैं. ये फीचर्स फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि जो श्री श्रीनिवासन हैं, जो श्री श्रीनिवासन हैं वो एच हैं, जो श्री श्रीनिवासन हैं वो एच एफ हैं. जो श्री श्रीनिवासन है वो एच यू एफ है. एच यू एफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से. अब आइए देखते हैं सारे लोग कैसे, कहाँ और क्या हालचाल है इनका. तो फीचर्स आपको देखना है तो आपको श्री श्रीनिवासन कहाँ से है एच यू एफ से ये जानना जरूरी है. क्या श्री श्रीनिवासन कहाँ से ये जानना जरूरी है अगर आपको फ्यूचर जानना है. तो फीचर्स के पहले उनके बारे में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं. List out some features of computerized networking in an organization. With growth of a business, थोड़ा सा आराम से. With the growth of the business, organization need good communication. Growth of the business से organization क्या क्या जरूरत है? अच्छे communication की between employees to maintain consistency and efficiency. Maintain करने के लिए consistency and efficiency maintain करेंगे.
बिजनेस ग्रोथ हुआ तो आपको जो जरूरत पड़ेगी कि नीड गुड कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। कंसिस्टेंटली अच्छा काम हो, एफिशिएंटली काम हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इट इज बीइंग अचीव बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। एंड कैसे अचीव होगा? इन्फॉर्मेशन शेयर करके, सच एज कॉमन फाइल। एक ही फाइल को बार बार वो काम ना करें, कॉमन फाइल अगर शेयर हो जाए तो इजी होगा। डेटाबेस एंड बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाई टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स। देखो कोई भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ये काम आप पहले से कर लियो तब तुरंत डेटा भेज दे, फिर हम वही काम दोबारा रिपीट थोड़ी ना करेंगे, उसमें बस उसका नेम हम चिपका के चिप देंगे। फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमनली सीन ड्यू टू कंप्यूटराइज नेटवर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमनली सीन, क्या क्या फीचर्स सीन होते हैं हमने बताया कि आपको फीचर्स आने, तो श्री श्रीनिवासन जी से मिलिए और उनसे पता करिए कि कहाँ से हम बोले, कहाँ से हम बोले एचयूएफ से, तो बस आपका काम हो गया। श्रीनिवासन जी से आप मिल कर दो। एप फॉर फाइल ट्रांसफर, आई एम सॉरी फॉर द साउंड, फाइल शेयरिंग, एप फॉर फाइल शेयरिंग, यू फॉर यूजर इंटरफेस, U for user interface, S for hardware resources, S for hardware resources, S for system and application software, S for system and application software. Santi Akash, remote access, हाँ साथ साथ लिखिए बस, बड़ा बड़ा याद होगा इससे। शेयर डेटाबेस, बीच वाला शेयर डेटाबेस, डेटाबेस फॉल्ट ट्रांसफर, एचयूएफ में दो मेंबर हैं, एचयूएफ श्री श्रीवासन जी के एचयूएफ में दो करता है। आई से इंटरनेट एक्सेस, आप बोलोगे कुछ भी, हाँ भाई एचयूएफ में करता जो होता है, करता धरता मालिक होता है, और एक होता है फॉल्ट टॉलरेंस, जो भी गलती होगी उसको मेंटेन करने के, अच्छे बड़ा होता है ना, उसको फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज किया जाए। तो फाइल शेयरिंग फीचर्स क्या, इससे आप फाइल शेयर कर सकते हो। यूजर इंटरफेस इन कंप्यूटराइज नेटवर्क, नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड अदर थिन क्लाइंट प्रोवाइड ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस। रिसोर्स शेयरिंग, इट प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क प्रिंटर एटसेट्रा। ये आपको प्रोवाइड करेगा शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, सच एज हार्ड डिस्क प्रिंटर्स, मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, दैट सेव द कॉस्ट। हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स कैन प्रोवाइड फॉर इंक्लूड एप्लीकेशन सर्वर्स फॉर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सर्वर। आपके नेटवर्क्स में कंप्यूटर में क्या हो सकता है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो इसके फीचर्स भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे बैठ के कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। शेयर डेटाबेस, आप अपने डेटास को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं और शेयर, आप अपने डेटास को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस, कंप्यूटर अलाउज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम बैकअप, कोई गलती नहीं होगी, आराम से आपका बैकअप डेटा हो जाएगा। इंटरनेट एक्सेस एंड सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेस, तो इंटरनेट पे आपको डेटा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी मिल जाएगी और एक्सेस करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, आज मतलब अभी 8:11 हो रहा है, आज शायद आपको कोई वीडियो न मिल पाए, आज 31st है, क्योंकि आज हमारा अभी दो चैप्टर करना बाकी है, तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं दो चैप्टर्स को कंप्लीट करूँ एट एनी हाउ, फिर मैं अगले दिन शायद आपको वीडियो दे पाऊंगा, उम्मीद की जा सकती है, दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा वो भी कोई गारंटी नहीं, बट अपना 7 दिन में कोर्स तो कंप्लीट करना है। आपको एक दिन लेट मिलेगा वीडियो या एक दो दिन लेट मिलेगा उसके लिए, पूरी कोशिश वीडियो या एक दो दिन लेट मिलेगा उसके लिए मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, क्या करूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरी जर्नी में, अभी तक का जो जर्नी रहा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपका कैसे शुक्र, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपने लिए टाइम निकाला, और ये जर्नी कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए, हमारे विजन का पार्ट बनिए। इस वीडियो को शेयर करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिखता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, शेयर करिए। अब बस अब आपके ऊपर है कि आप ये शेयर कब करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बोलिए आई कैन एंड आई विल, आज करेंगे, अभी करेंगे, इस बार आईपीसीसी पास करके रहेंगे, करना है तो करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।